बेडरूम किसी भी घर का खास हिस्सा होता है जहां पर पति और पत्नी अपना समय व्यतीत करते हैं। शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने में वास्तु का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में घर के इस अहम हिस्से के बारे में कुछ उपाय बताए गए हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सोने के कमरे में एक खिड़की जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा बेडरूम में आईना लगाना वास्तुशास्त्र के नजरिए से सही नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच तनाव कम रहता और एक दूसरे में प्यार बना रहता है। पैसों की कमी को दूर करने के लिए एक बर्तन में चावल के कुछ दाने को डालकर उसे अपने बिस्तर के नीचे रखें, साथ ही लाल रंग की दो मोमबत्तियां जरूर जलाएं। लव बर्ड और मैंडरिन डक जैसे पक्षी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनकी मूर्तियों को अपने बेडरूम में जरूर रखें। राधा और भगवान कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमेशा बेडरूम में इन दोनों की तस्वीरों को लगाना शुभ माना जाता है। बेडरूम में अपने पलंग को इस प्रकार रखें कि वह दरवाजे से थोड़ी दूरी पर हो ताकि घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बरकरार रहे।